गाइज एक बात बताओ, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है? यार आज तुम्हारा भाई ट्राई करने वाला है अमेरिकन स्नैक्स। यार मैंने ना काफी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें कि अमेरिकन इंडियन स्नैक्स ट्राई कर रहे हैं। देखो यूएस से ना वैसा एक नहीं दो बैग आए थे और दूसरे बैग में भाई ये सब स्नैक्स आए हैं। तो सीन एकदम सॉर्टेड है, माल सारा सामने पड़ा है। तो एक बार ना आपको जल्दी जल्दी सारे स्नैक्स दिखा देता हूँ, फिर तबाही मचाएंगे। निस्सिन की चाउमीन, मैक एंड चीज, रामेन सूप नूडल्स, चिकन ब्रेस्ट एंड मैश पोटेटोज, फॉलगर्स की क्लासिक डीकैफ कॉफी, नेस्कैफे की हेजलनट कॉफी, शेफ वू रेडी टू ईट रामेन, फाइनली चीटोज। भाई इनके लिए ना मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। भाई ये एक पैकेट चीटोज का ना इंडिया में 600 रुपए का मिलता है एंड मैंने ना ये दो फ्लेवर्स मंगवाए हैं। ये वाले फ्लेवर्स ना मुझे इंडिया में कहीं नहीं मिले थे तो आई एम सुपर एक्साइटेड। ठीक है भाई ट्राई करें। ये वाला है भाई टैंगी चिली फ्यूजन फ्लेवर। ओहो चेक दिस आउट गाइस, भाई बड़ा डिफरेंट सा कलर है यार इसका। वैसे ना मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें ना ये इन कुरकुरों को इन चीटोस को अच्छे से क्रश करते हैं और फिर उसे ना मोज़रेला स्टिक के ऊपर अच्छे से रैप करके डीप फ्राई करते हैं और ऐसे सर्व करते हैं। तो मतलब इन्हीं चीटोस से ना वो लोग काफी चीजें बना बना के बेचते हैं। भाई ये वायरल हो रही हैं चीजें। आई डोंट नो यार इसका फ्लेवर कैसा होगा बट आई एम सुपर एक्साइटेड। और ये वाले चीटोज ना मुझे बहुत समय से ट्राई करने थे, भाई इंडिया में कहीं मिल ही नहीं रहे थे तो आई एम गोना टेक राइट इनटू इट। भाई यार ये क्या खा रहे हैं अमेरिकन, ये तो बहुत ही बेकार है। हाँ भाई मेरे हिसाब से ना इन गोरों को कुरकुरे खिलाओ भाई 10 गुना बेटर है भाई कुरकुरे इनसे। यार मतलब मुझे लगा था इसका तो यार बढ़िया फ्लेवर होगा बट अजीब सा ही चिली फ्लेवर आ रहा है। एंड चेक दिस आउट भाई, कुछ ज्यादा ही कलर डाला हुआ यार इसके अंदर तो इन्होंने, मुझे यार कुछ खास मजे आए नहीं इसमें। इनफैक्ट इससे ना बहुत बेटर है वो जो इंडिया में ग्रीन वाले चीटोस मिलते थे ना वो बॉल वाले, भाई वो तो मेरे फेवरेट थे बट आई डोंट नो यार ये पसंद कैसे है उन लोगों को। आई होप यार अब ये बफेलो वाला फ्लेवर अच्छा होगा। वैसे ना कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने वेज बफेलो बर्गर खाया था। बफेलो एक सॉस होती है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक्सपेक्टेशंस तो हैं यार कि अच्छा बट कुछ कह नहीं सकते, नॉट अ गुड स्टार्ट इंडीड। ये चेक करो भाई कलर तो इसका ऑलमोस्ट वैसा ही है बट ओ मतलब बफेलो कम यार मुझे चीज फ्लेवर ज्यादा आ रहा है। डिफरेंट है यार ये। अगर आपको वो पार्मेजान चीज पसंद है ना तो आपको ये थोड़े ठीक लगेंगे। वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ये एकदम बहुत ही बढ़िया है, वैसे इनसे बढ़िया तो यार वो टकाटक होते हैं बट ठीक है यार 30 घंटे फ्लाइट में बैठ के आए हैं तो इस उससे मैं 3/5 तो दे दूंगा इन्हें। देखो ऑनेस्टली आउट ऑफ दीज टू मुझे ना ये बफेलो चीज वाले चीटो ज्यादा अच्छे लगे। अब ये चाउमीन ट्राई करें। यार 5 मिनट्स लेटर ये कुछ ऐसी नजर आ रही है। भाई देखो मैंने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो ऊपर लिखे थे ना ढंग से फॉलो किए हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा था पानी डाल के। अब टाइम फॉर दिस सॉस। थोड़ा सा अजीब सिस्टम है सॉस भाई, नूडल्स बॉयल होने के बाद में डल रही हैं। ओ भाई साहब दिस इज ब्लैक कायदे से भाई। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ओहो भाई देखो जैसे इन्होंने बताया था वैसे मैंने घुमा फिरा के नूडल्स प्रिपेयर कर ली हैं। एंड बाय द वे दिस इज तेरियाकी फ्लेवर्ड नूडल्स। तो मतलब इसमें से खुशबू इतनी कोई खास अच्छी आ नहीं रही है बट आई डोंट नो भाई ट्राई मार के देखते हैं।
ओह दिस इज गुड भाई, ये तो बढ़िया है। भाई देखो, एक तो नूडल्स अच्छे से पक गई है और जो इसके अंदर मैंने वो सॉस मिक्स की थी ना तेरियाकी वाली, भाई साहब दिस इज गुड भाई। यार ये तो इंडिया में भी लॉन्च होनी चाहिए भाई साहब। सूप भी इसका बहुत बढ़िया है भाई। मेरे लिए ना ये रेडी टू ईट नूडल्स में 9/10 है, इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इसमें से। ऑल्सो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, जो मैंने पहली वीडियो में खाए थे और जो इस वीडियो में मैं खा चुका हूँ और जो खाऊंगा, सब उसने वॉलमार्ट से लिए थे वहाँ पे। बस भाई आधा मैंने ख़त्म कर दिया। अभी ना हमारे पास बहुत सारे स्नैक्स हैं ट्राई करने के लिए, तो अब ना मेरा मन कर रहा है इनकी कॉफ़ी ट्राई करने का। भाई देखो दो ऑप्शन हैं, एक तो ये है एंड दिस इज डी कैफ, आई थिंक ये वाली ट्राई करेंगे। ओ नाइस यार, नाइस पैकेजिंग। शिट, क्या ऊप्स होता रहता है यार मेरे साथ। भाई मेरे साथ लॉल नाउ ऐसा हो सकता है। दो मिनट रुको, साफ सफाई करने दो, फिर लाता हूँ कॉफी। हेजलनट ब्लैक कॉफी। भाई सच बता रहा हूँ, मेरे पूरे घर में ना अब हेजलनट की खुशबू हो चुकी है। और आजकल ना यार मैं ब्लैक कॉफी का कुछ ज्यादा ही बड़ा फैन बन चुका हूँ। वो इससे पहले ना वो मैंने शार्क टैंक वाली वीडियो करी थी, उसमें मैंने टॉफी कॉफी वालों की कॉफी ट्राई की थी भाई, वो ना मैं डेली पीता हूँ, ये सीन हो रहा है। ओके लेट मी ट्राई इट। ओ दिस इज गुड भाई, क्या पंच है यार इसका, सॉलिड कॉफी है वो। एक्चुअली मैंने ग्लास दोनों हाथ से पकड़ रखा है, मेरी अभी फट रही है कि कहीं टूट ना जाए। नाइस भाई, हेजलनट का तो फ्लेवर आ रहा है, बट वो जो कॉफी का नॉर्मल फ्लेवर होता है ना, उसके साथ थोड़ा सा हेजलनट का फ्लेवर आ रहा है, ये सीन है। इट्स गुड, आई लाइक इट। भाई देखो अब ना मुझे मेरी कॉफी इंजॉय करने दो, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं एंड देन कुछ नया ट्राई करेंगे। ओ ये सच बता रहा हूँ भाई, पहला अटेम्प्ट था ये मेरा। एंड बाय द वे ये क्राफ्ट का मैक एंड चीज ना इंडिया में भी मिलता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। लुक एट दिस भाई, ये मसाला है शायद। हियर गोज द मसाला, आई थिंक ये चीज का मसाला है। ओके अब डालना है इसमें पानी। डब्बे में लिखा है कि 3 मिनट माइक्रोवेव भी करना है। ठीक है भाई कर देते हैं। भाई 3 मिनट्स लेटर कुछ ऐसे हाल है हमारे मैक एंड चीज के। लुक एट दिस भाई, ट्राई मार के देखूं, मतलब फीलिंग ना कुछ अच्छी सी नहीं आ रही इसमें से। यार सच में ऐसा लग रहा है मैं केमिकल खा रहा हूँ सही में। इसके साथ वो जो पाउडर आया था ना चीज़ वाला, वो मुझे बचा के रख लेना चाहिए था। पॉपकॉर्न बनाता और वो उसके ऊपर डालता, क्या मस्त लगते यार। ये तो यार मैंने गंद मचाया सही में। अगर ये अमेरिकन को खाना पसंद है ना भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता फिर सही में। बस यार और नहीं खाऊंगा मैं, ये ना बहुत बेकार है, कुछ और ट्राई करते हैं। अब लेट्स ट्राई दिस, ये है शेफ वू की नूडल्स। बैम यार ये सही है, सारे मसाले और बाकी चीजें ऑलरेडी खुली हुई थी इसमें। अब इसमें ना बस हमें गरम पानी डालना है। ओके एनफ। Now 5 minutes later, लग रहा है कि ये ढंग से पक चुकी है। आई थिंक इसको ना थोड़ा अभी मिक्स करना पड़ेगा। चेक दिस आउट, बाय द वे दिस इज रोस्टेड चिकन फ्लेवर रामेन। एंड हाँ भाई ये US का ही प्रोडक्ट है आई गेस। हाँ भाई है US का आई गेस, क्या होता है वहीं से ही आया है। ओके ट्राई मार के देखते हैं।
भाई ऐसा लग रहा है ढंग से पका नहीं आए, कच्ची लग रही है नूडल्स। देखो चिकन का हल्का हल्का फ्लेवर आ रहा है, बट बहुत ही हल्का फ्लेवर है यार, मतलब फ्लेवर कम कम है इसमें। आई थिंक जो रेडी टू ईट नूडल्स इंडिया में मिलती है ना, और वो जो कोरियन और जापनीज होती हैं, दैट आर मच बेटर देन दिस। सही में बहुत कम फ्लेवर है इसमें। सूप में भी इतना कुछ खास फ्लेवर आ नहीं रहा। आई थिंक ये जो रेडी टू ईट रामन है ना, इनकी बड़ी सोचो है। बाय द वे, एक नूडल्स का पैकेट अभी मेरे पास और है, उसको ही बनाते हैं और उसका सीन चेक करते हैं। ये है भाई मारुचान रामन नूडल सूप। नूडल्स तो यार रेडी हो गई है, बट ऐसा लग नहीं रहा यार इसके अंदर कोई फ्लेवर है। ये चेक करना भाई, इसके अंदर थोड़े मसाले वसाले डाल दे क्या, एक बार ट्राई मार के देखता हूँ इसे। भाई नॉट बैड, सही में जैसे वो ग्रीन वाला लेज होता है ना, उसका जैसा फ्लेवर होता है, मतलब जितना वो स्मूथ होता है, ये नूडल्स भी कुछ वैसी है। ऑल दिस में चिकन और क्रीम का फ्लेवर आ रहा है दबा के। मुड़ गया भाई, सच बता रहा हूँ यार, बुरी नहीं है ये, क्या क्रीमी नूडल्स हैं ये, समथिंग डिफरेंट। भाई आई एम प्रिटी श्योर किसी नॉर्मल बंदे को दूंगा ना, इसके ऊपर ओरिगानो या थोड़ा सा मसाला तो स्प्रिंकल करेगा, क्योंकि आई नो हमारा ना टेस्ट थोड़ा वो मसालेदार वाला है, ये बिल्कुल ही मसालेदार नहीं है। भाई देखो इसके बाद ना मेरे पास एक प्रोडक्ट और बच गया है, ये मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, उसको ट्राई करते हैं। दिस इज मैश्ड पोटैटो एंड चिकन, और इसे माइक्रो में गर्म करना है अभी। यार ये चेक करना, इसके अंदर ना सिर्फ चिकन है और आलू है, एंड ऐसा ही कुछ मैंने लास्ट वीडियो में भी खाया था, मुझे बहुत पैथेटिक लगा था। आई थिंक दैट वाज चिकन एंड राइस। भाई बिल्लियों का खाना लग रहा है सही में, पता नहीं यार ट्राई करूं या रहने दूं। केमिकल जैसा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर से सही में, पता नहीं यार क्या क्या खाते हैं भाई। इसके अंदर कोई काला वाला नमक डाल देते, कुछ फ्लेवर ही नहीं है, मतलब काला नमक तो दूर की बात है भाई, नमक ही डाल देते साथ में दे देते भाई, मतलब कैसे खाते हैं यार ये, एकदम ब्लैंड खाना, फ्लेवर्स नहीं है यार इनके खानों में ज्यादा। हाँ भाई मेरा ना इनके खानों से मन उठ गया ये ट्राई करके, तो ये तो भाई मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, अब बस मैं यही होप कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पता ही है करना होता है, तो मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग। ओ बाय द वे, ये एक कॉफ़ी का डब्बा बच गया था, किसी और दिन ट्राई कर लेंगे यार, कितनी कॉफ़ी पीऊँगा तुम।